सो देखो, आपको ये चीज़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ मेटा बिजनेस सूट। ओके, यहाँ पर मेटा बिजनेस सूट मैंने सर्च कर लिया और यहाँ पर आ गया फेसबुक का मेटा बिजनेस सूट। ओके, आप चाहो तो इंस्टा क्रिएटर स्टूडियो भी सर्च कर सकते हो, दोनों भी एक ही चीज़ है। ओके, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। अभी इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर मैं गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब गेट स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, जैसे यहाँ पर मेरा जो है फेसबुक का जो है डेस्कटॉप मोड यहाँ पर मैंने ऑन किया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मेटा बिजनेस सूट का जो ये ओपन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डेस्कटॉप मोड याद रखना है, आपको डेस्कटॉप मोड पर रखना है इसको, अदरवाइज आप लोग को पोस्ट करने में बहुत दिक्कत होगी और आपको कुछ शो नहीं करेगा आइकन वगैरह इसका। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्रिएट पोस्ट पर क्लिक कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को ना बहुत से लोग को ये दिक्कत आ रही है कि भाई इंस्टाग्राम का सिंगल पेज जो है डायरेक्टली फेसबुक मेटा बिजनेस पे ज्वाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम क्रिएटर स्टूडियो आप लोग सर्च कर लेना, उधर से हो जाएगा, लेकिन दोनों एक ही चीज़ है। ओके, तो मुझे शुरुआत में पता नहीं थी, इसके लिए मैंने फेसबुक के साथ में मेरे इंस्टाग्राम को मर्ज कर लिया, फेसबुक का पेज बनाया, वहाँ पर से मर्ज कर लिया। तो अगर आपका नहीं होता है नॉर्मल तरीके से इंस्टाग्राम डायरेक्ट अटैच, तो आप लोग जो है फेसबुक पेज बनाइए नॉर्मली टेम्पररी और इसके साथ में इसको मर्ज कर लीजिएगा, अदरवाइज तो मैक्सिमम टाइम तो मुझे जहाँ तक पता है कि हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर मैं क्रिएट पोस्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये खुल चुका है इस तरीके से पेज। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं मीडिया शेयर फोटोज और वीडियो इंस्टाग्राम पोस्ट कैन एक्सटेंड 10 फोटोज। ओके, सो यहाँ पर एड फोटो का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर एड फोटो पर क्लिक करना है, अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक इमेज जो है चूज कर लेना है। ये मैंने लॉन्ग रेशियो में इमेज जो है बना कर रखी है, वो मैंने कैसे बनाया बताऊँगा मैं आपको यहाँ पर अभी। ओके, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं डन पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही डन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं पब्लिश का बटन, यहाँ पर ये खुलेगा और बंद हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम में यही होता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पर पब्लिक का ऑप्शन है, यहाँ पर आप चाहो तो टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर पब्लिश का तो ऑप्शन यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो पब्लिश कैसे करेंगे? ओके, यहाँ पर लिखा रहा है देर आर वन मोर इशू यू नीड टू बी रिजॉल्व बिफोर यू कैन पब्लिश योर पोस्ट। ओके, सेम चीज़ दो वीडियो में पहले ही बता के रखा हूँ। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉन्ग फोटो यहाँ पर देख सकते आ चुका है। ठीक है, फेसबुक प्रीव्यू और यहाँ पर इंस्टाग्राम फीड प्रीव्यू। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, ये फोटो अभी खुलेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, काफ़ी लॉन्ग पोस्ट मैंने बनाई इसको, मतलब हद से ज़्यादा लॉन्ग पोस्ट है। ओके, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा शायद, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग पोस्ट है। ओके, अब आपको कैसे ठीक करना है इसको, यहाँ पर देख सकते हैं पेंसिल का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं ओरिजिनल स्क्वायर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ओके, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ओके, इधर पे भी क्लिक कर देना है आपको। ओके, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ मैं। ओके, ओरिजिनल पर रखना है, यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट डाल दो यहाँ पर। ओके, फिलहाल के लिए। ओके, फिर यहाँ पर डन पे क्लिक करेंगे, साइड में डन का ऑप्शन है। ओके, आपका डन का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो क्या करना है अभी, सिंपल आपको बता दो, यहाँ पर नीचे पब्लिश का ऑप्शन तो फिलहाल हाइड है। ओके, मैं ऐड फोटो पे जाऊँगा वापस से, अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा डन, यहाँ पर डन हो रहा है। ठीक है, जैसे ही पब्लिश खुलेगा आप यहाँ पर क्लिक करना है। ओके, तो ये हमने क्लिक कर दिया। ओके, ये एक सेकंड के लिए भी नहीं खुलता तो हमने क्लिक कर दिया यहाँ पर। ओके, अब मैं मेरे इंस्टाग्राम पे जाऊँगा, पब्लिश होने के बाद में आप लोग देखना कितना लॉन्ग पोस्ट यहाँ पर मैंने बना लिया है। ओके, अब लॉन्ग पोस्ट कैसे बनाना है वो भी बताऊँगा आपको, पहले पब्लिश होने देते, आपको पहले प्रूफ दिखा दूँ कि मैंने इंस्टाग्राम पर इसको पोस्ट कर दिया है। ओके, तो ये फिलहाल पोस्ट हो चुका है, अब मैं जाऊँगा मेरे इंस्टाग्राम पर। ओके, यहाँ पर से इंस्टाग्राम में चले जाऊँगा, प्रोफाइल पर जाऊँगा यहाँ पर मैं। ओके, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं एक फ़ोटो, सॉरी दो फोटो आ गई है। ओके, दो फोटो आ गई है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना लॉन्ग फ़ोटो यहाँ पर मैंने अपलोड किया है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ये कितनी लॉन्ग फ़ोटो है। ओके, थोड़ी क्वालिटी थोड़ी लॉस हो गई है क्योंकि मैंने इसको उतनी क्वालिटी में नहीं थी मेरी फ़ोटो, दोनों भी सेम फ़ोटो है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कितनी लॉन्ग फ़ोटो है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। ठीक है, ये एक स्क्रोलेबल पोस्ट है, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं कितना लंबा यहाँ पर स्क्रोलेबल पोस्ट मैंने बना दिया है। ओके, फिलहाल मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर दूंगा, नहीं तो फिर ख़राब लगता है यार देखने को भी। अब लॉन्ग फोटो कैसे बनाना है आपको बता देता हूँ मैं। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर मेरे पिक्सार्ट के अंदर। ओके, आपके यहाँ पर मैं बता दूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा ठीक तरीके से। ओके, ये मैंने लॉन्ग एक बैकग्राउंड मैंने बनाया। ओके, डोंट सेव पे क्लिक कर दूंगा। ओके, अब आपको पिक्सार्ट को जो इंस्टॉल करना है, यहाँ पर देख सकते हैं एडिट अ फोटो। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर से एक बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमें बैकग्राउंड ले लेंगे वाइट कलर के ऊपर से एक। ओके, आप इसका रेशियो साइज़ जो है क्रॉप करके अपने हिसाब से रख सकते हो, कितना लॉन्ग आपको चाहिए, किस तरीके से चाहिए, इतना चाहिए। ओके, अभी क्या करना है इसके ऊपर, आपकी जो फोटोज़ ऐड करनी है अपनी। ठीक है, जितनी फोटोज़ आपको ऐड करनी है, फिर लॉन्ग फोटो है कोई भी ऐड करनी हो तो आप लोग उसको जो है ऐड कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बता दूँ मैं। ओके,
फिलहाल मैं इसके ऊपर एक आध फोटो ऐड कर लेता हूँ, लाइक कोई भी एक फ़ोटोज़ को, मतलब तीन चार फोटोज़ को ऐड कर लूँगा यहाँ पर। समझो ये फोटो, ये दो फोटो ऐड कर लिया मैंने इसके ऊपर। ओके अब लाइक मैं इसके ऊपर ऐड कर लेता हूँ ऐसे लाइन वाइज, आपको इस तरीके से ऊपर बैठा लेना है इसको, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, लाइक दो तीन फोटो आपको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। राइड करने के बाद में सेव कर लीजिएगा उसको, आप दोनों साथ में स्कूल लेवल वॉइस बना के पोस्ट कर सकते हो। तो होप कि आपको जो है वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।